नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। नोटबंदी का आज 19वां दिन, जगह जगह एटीएम खाली, रात से एटीएम के सामने लगी हैं लंबी कतारें। भारत बंद के फैसले पर नीतीश का विपक्ष को झटका, कहा भारत बंद में जेडीयू नहीं होगा शामिल। नीतीश ने नोटबंदी को बताया मोदी का अच्छा फैसला। नोटबंदी के बीच आज पहली बार रेडियो पर मोदी कर रहे हैं मन की बात। काले धन और नोटबंदी के फायदे पर हो रही है चर्चा। 26वीं बार मोदी कर रहे हैं जनता से मन की बात। आज कुशीनगर में होगी पीएम मोदी की परिवर्तन रैली। नोटबंदी के बाद दूसरी बार मोदी कर रहे हैं परिवर्तन रैली। इससे पहले यूपी के गाजीपुर से मोदी ने भरी थी चुनावी हुंकार। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे के खिलाफ जनता का प्रदर्शन। इस्तीफे की मांग को लेकर लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। राष्ट्रीय टीवी पर ग्वेन हे ने मांगी जनता से माफी, इस्तीफा देने से किया इनकार। नवाज शरीफ ने चुना अपना नया कमांडर। कमर जावेद बाजवा होंगे पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। 29 नवंबर को बाजवा संभालेंगे अपना कार्यभार। और मोहाली टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत का अच्छा प्रदर्शन। 283 पर इंग्लैंड को किया ऑल आउट। मोहम्मद शमी ने झटके 3 विकेट। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।